उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में तेजी से सियासी समीकरण बदला है, कई ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में थे और जो खुद को पिछड़े वर्ग का बड़ा नेता कहते हैं, वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। कुछ दिन पहले उनके भाषण कुछ और थे और अचानक ही उनके स्वर बदल गए, उनके सुर बदल गए, उनके दिल बदल गए, उनकी निष्ठा, आस्था और विचारधारा सब कुछ बदल गया। बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं और उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की जो राजनीति है उसके बड़े पुराने आप झंडा बरदार रहे हैं और काशीराम के साथ आपने काम किया है। बहुजन मूवमेंट उत्तर प्रदेश में जो सफलता से आगे बढ़ा और कई बार मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उसमें एक बड़ी भूमिका बाबू सिंह कुशवाहा की मानी जाती है। कुशवाहा साहब, ये जो घटनाक्रम है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होने वाला है अखिलेश यादव को? देखिए, जब भी चुनाव आता है, चुनाव के मौके में कुछ चीज़ें स्वाभाविक हैं। कुछ लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं और कुछ लोग इधर से उधर स्वाभाविक होते हैं, जाने आने वाले होते हैं। लेकिन अब ये जिनकी पार्टी है, जो ले रहे हैं जहाँ से जा रहे हैं, ये उनको सोचना है कि उनको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है। जहाँ तक मैं जो समझता हूँ, शायद अगर ये घटना पहले होती तो शायद और फ़ायदा होता। यानी 5 साल कथित रूप से उस विपरीत विचारधारा के दल में, विपरीत विचारधारा के माहौल में, और उस माहौल में जहां दलितों पिछड़ों का नुकसान हो रहा था, 5 साल ये लोग मुख दर्शक बन के काम करते रहे और व्यवस्थाओं का लाभ भी लेते रहे, अपनी निजी हिस्सेदारी इनकी सुरक्षित रही वहां पे। देखिए, अगर आपने ध्यान से सुना हो कि जनादेश था, जनादेश 5 साल के लिए रहता है, 2 महीने के लिए नहीं रहता जब चुनाव आता है। तो जब इस चुनाव के बाद फिर जब जनादेश आ जाएगा तो फिर चुप हो जाएंगे, फिर कहेंगे 5 साल के लिए यही जनादेश है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उस 2 महीने में बोलेंगे जब चुनाव का मौका होगा, जब किसी की बेटी से छेड़छाड़ होगी, रेप होगा, लोग मारे जाएंगे, उत्पीड़न होगा, OBC का रिजर्वेशन ख़त्म किया जाएगा, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ख़त्म किया जाएगा, अन्याय अत्याचार होगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी, तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जनादेश है। जनादेश में ऐसा भी है तो है कि जनादेश के लिए हमने भी पहल की थी, और जिसने पहल की थी वो बोले ना कुछ, और जब चुनाव आ जाए वो उसी के चुनाव के समय 2 महीने बोले और फिर चुप हो जाए, तो उस आदमी को आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह के जितने भी लोग हैं वो समाज के लिए, अपने खुद के समाज के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, अक्लियत के लिए, कहीं से वो हितैषी नहीं हो सकते। अगर आप पूरी चीज़ देखें तो अभी उनके बहुत सारी चीज़ उनके साथ में ही नज़र आ जाएगी कि कहाँ अभी सब बोल रहे हैं, उनके घर ही में कहाँ सारे लोग बोल रहे हैं। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, यही अच्छी है, क्योंकि जनादेश है, अभी 2.5 साल ही हुए हैं, जब 5 साल हो जाएंगे तो। आप मानते हैं ये एक अवसरवादी राजनीति है और अपने निजी लाभ की राजनीति है? देखिए, इसको निश्चित तौर पर ये निजी लाभ की राजनीति है और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसे फैसले किए जाते हैं। जो अब फैसले करता है उसको ज़रूर वो समाज की दुहाई देता है, पिछड़े या दलित की दुहाई देता है, लेकिन इस तरह के फैसले व्यक्तिगत हित के लिए, और इसको समाज देख रहा है, इस देश का, इस प्रदेश का जो पिछड़ा है, जो दलित है, अक्लियत है, वो सब देख रहा है कि कौन किसके लिए खड़ा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। अच्छा, एक आरोप लगता था मुलायम सिंह यादव के ऊपर कि उन्होंने अपनी पार्टी के ढेर सारे लोगों को, पार्टी के लोगों को नहीं, परिवार के ढेर सारे लोगों को, मुलायम सिंह पर ही आरोप लगता था कि उन्होंने अपने परिवार के ढेर सारे लोगों को सांसद विधायक बनवाया, सुविधाएं दी, सत्ता भोग कराया, अखिलेश उनके बेटे हैं उनको ही CM बना दिया, समाजवादी पार्टी ने दूसरे जो पिछड़े हैं उन पर उतना ध्यान नहीं दिया, सारा फोकस अपनी फैमिली और परिवारवाद, जिसको हम एक शब्द में परिवारवाद कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी कहा जा रहा है कि अपनी बेटी को सांसद बनवा दिया, भाजपा से खुद मंत्री रहे, बेटे के पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहे, परिवार में कई लोगों को ब्लॉक प्रमुख बनाया। तो ये परिवारवाद, अपना परिवारवाद जो है वो सही सिद्ध हो जाए, इसके लिए क्या दलितों और पिछड़ों के कंधों पर बंदूक भी रखी जा रही है? देखिए, ऐसा हमेशा से हुआ है, लेकिन जो नेताजी जिनका, माननीय मुलायम सिंह जी का नाम आपने लिया, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को राजनीति में लिया, राजनीति में आगे बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने समाज का और अपने लोगों का भी उन्होंने ध्यान रखा, उनको भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और जैसा भी फैसला उनका रहा वो उनके समाज ने उन्हें स्वीकार किया।
और इसलिए आज उनके साथ वो खड़ा है। बाकी लोग जो ऐसे फैसले करते हैं वो क्या कह के करते हैं, क्या दिखाते हैं, क्या आईना दिखाते हैं समाज को। मैं अगर ये कहूँ कि समाजवादी पार्टी में वो लोग गए हैं कुछ लोग या और लोग जा रहे हैं, तो उनको तो पहले ये सोचना होगा कि वो क्या कहेंगे कि क्या किया है समाजवादी पार्टी ने। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन जिन लोगों के लिए किया है वो तो कह सकते हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं इनके लिए क्या किया है, इनके लोगों के लिए क्या किया है। इसलिए जो ये कह रहे हैं उसका फ़ायदा इनको नहीं मिलने वाला है। मैं जहाँ जाता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे उत्तर प्रदेश की जनता है, हम जो चाहते हैं वो होता है, ये बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये कहने के लिए ऐसा है नहीं। अगर आप शुरू से इतिहास देखेंगे तो ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। मैं BSP में नहीं हूँ, कोई मैं BSP की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, कभी कुछ बने ही नहीं। जनता दल में लोक दल में रहे, कभी बने ही नहीं। जब वो 96 में BSP में आए पहली बार मैंने बने, गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट में उनको जाने का मौका मिला और फिर 12 में चुनाव हुआ, वो थे, BSP हार गए। अगर वो थे तो BSP क्यों हार गई? जिसका वो दम भरते हैं जिस समाज का, वो तो नहीं गया BSP के साथ, और वो तो थे। फिर 14 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, वो BSP में थे। जिस समाज का वो नाम लेते हैं सब BJP में चले गए, BSP 0 पे आउट हो गए, है ना, ऐसा 0 पे आउट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हम ये दम भरें या हम कहें कि नहीं हमारे, हम चाहेंगे जिसको बना देंगे और हम उसका बाजा बजा देंगे, ये सब कहने की चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बोलना भी चाहिए। अच्छा, किसको फ़ायदा होने वाला है? अखिलेश यादव फायदे में रहेंगे स्वामी प्रसाद के आने से? कौन किसका बेहतर इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर अपने हित में, आप क्या देख पा रहे हैं? अखिलेश स्वामी प्रसाद से फ़ायदा ले लेंगे या स्वामी प्रसाद अखिलेश के साथ जाकर फ़ायदा ले रहे हैं? देखिए, इसमें श्री अखिलेश यादव जी को एक फ़ायदा है, वोट का तो फ़ायदा नहीं है, एक फ़ायदा है जन अधिकार पार्टी को कमज़ोर करने का। की कोशिश है शुरू से थी कि जन अधिकार पार्टी को बढ़ने नहीं देना है, जन अधिकार पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर किसी और बैकवर्ड की पार्टी खड़ी हो गई तो उनको नुकसान का डर है, तो उनकी ये शुरू से कोशिश थी कि और लोग कोई आ जाएं जो उनके उस पर चल जाएं, उनके कहने पे आ जाएं, तो उसको वो लेने को तैयार है। लेकिन जन अधिकार पार्टी, पार्टी के साथ कोई बात हो वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये लोग सब जन अधिकार पार्टी में खड़े हो जाते हैं तो उससे उनको नुकसान नज़र आता है। तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या फ़ायदा होगा है, क्या नहीं होगा, लेकिन इससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि नहीं, जन अधिकार पार्टी में कमज़ोर है। एक मीडिया को आगे करके ये कोशिश की गई कि नहीं, ये बड़े नेता हैं और जन अधिकार पार्टी कुछ नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि जो अदर देन यादव OBC है, गैर यादव जो OBC है, जिसमें एक मजबूत पकड़ आपकी पार्टी बना रही है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उस तरफ भी एक सियासी पासा फेंका है कि गैर यादव OBC का भी नेता वो खुद को स्वामी प्रसाद को बगल में खड़ा करके ये संदेश दें कि वो सिर्फ यादवों के नेता नहीं है। ऐसी कोशिश की उन्होंने, लेकिन उसका फ़ायदा उनको होगा नहीं। जितनी उन्होंने कोशिश की, जितना उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की, उतना मैसेज समाज में नीचे तक पहुंच गया और लोग एक्टिव होकर जीत के साथ हो जन अधिकार पार्टी के साथ खड़े हो, जो वीकर सेक्शन है, पिछड़ा है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, दलित है, जो समाजवादी के साथ नहीं है पूर्ण तरह, दलित पिछड़ा का एक भाग एक अंक है, दलित का एक अंक मायावती जी के साथ है, उसके अलावा कुछ लोग BJP में भी, उसके अलावा बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं उनके बीच में जा रहा हूं, जहां नहीं जा पा रहा हूं तो कोशिश में लगा हूं कि जाऊं, और वो मेरी बात से सहमत हैं, वो मेरे साथ आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो उनको एक रोकने की कोशिश की गई, असफल कोशिश की गई, जिसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, उससे नुकसान होगा। तो कुशवाहा जी का साफ संदेश है कि इनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी जो है वो दलितों और पिछड़ों में मजबूती से आगे बढ़ रही, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये खतरा था इसलिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने बगल में खड़ा तो कर लिया है, हालांकि
समाज में स्पष्ट संदेश है, और सियासी नुकसान और फ़ायदा क्या होगा ये तो चुनाव चंद दिनों बाद है पता चल जाएगा। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि 2012 में स्वामी प्रसाद पूरी ताकत से बसपा के लिए लगे हुए थे लेकिन अपने समाज का वोट ट्रांसफ़र बसपा के लिए नहीं करा पाए थे। ये एक सियासी हकीकत है जो बीत चुकी है और लोगों के सामने है। फिलहाल ये रोचक चुनाव है, 12 और 14 दोनों चुनाव में स्वामी प्रसाद एक मास लीडर के तौर पर खुद को साबित नहीं कर पाए थे, फिर एक उन्होंने दम भरा है और देखना होगा कि अखिलेश के साथ जाकर अखिलेश को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं या खुद फ़ायदा हासिल करते हैं। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।